आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास नर्सरी की मैथ वर्कशीट। इसमें मैं ये मान के चलूँगी कि आपको मैंने अपने बच्चों को 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखना पढ़ना और पहचानना बोलना सिखा दिया है। उसके बाद हम कुछ वर्कशीट देंगे, तो ठीक है। तो इसमें हमने 10 तक काउंटिंग बच्चे को हम पहले सिखा चुके हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्कशीट हम बच्चों को बना के देंगे इस तरह से, कुछ सर्कल द सेम नंबर। इसमें हमें क्या करना है, पहले एक नंबर लिखेंगे, फिर उसके पीछे कुछ नंबर्स लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1, 2, 3, 4, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसे मैंने कुछ ही वर्कशीट बना के दिए, तो बच्चे को कहना है कि बेटा देखो ये 1 है, तो इस लाइन इस पूरी रो में आप 1 ढूंढो कि 1 कहाँ पर है। तो जो ये नंबर है वही सेम नंबर आपको सर्कल करना है। तो बच्चा ऐसे देखेगा, पहचानेगा 1 कौन सा है, तो इस तरह से सर्कल करेगा। इससे बच्चा आपका जल्दी से जल्दी अक्षरों को पहचानना सीखेगा और उसका माइंड भी थोड़ा सा डेवलप होगा। और जैसे ये 4 है, तो 4 कहाँ है, ये रहा। और 6 कहाँ है, तो 6 ये रहा। तो ऐसे वो सर्कल करेगा और इसके साथ साथ ही वो दूसरे नंबरों को भी पहचानेगा, ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, ये सेम है, तो सर्कल करना है। एक वर्कशीट ये होगी हमारी। और ऐसे ही फिर दूसरी वर्कशीट होती है मैचिंग। हम इस तरह से कुछ मैचिंग करने के लिए दे सकते हैं बच्चे को कि 1 1 हमारा जैसे ये 1 है, तो 1 इस रो में इस लाइन में देखिए 1 कहाँ पर है। तो बच्चा देखेगा 1 कहाँ है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 1 है। तो 1 में हम ऐसे मैचिंग कर लेंगे, 1 ऐसे 2, फिर ये 6 है, तो 6 देखेगा 6 कहाँ पर है, तो 6 से मैचिंग करेगा। ये 7 7 कहाँ है, 7 से, ये 5 से, तो इस तरह से वो मैचिंग करना सीख जाएगा और उसको थोड़ा सा नंबरों को पहचानना भी इजी रहेगा सीखना। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम वर्कशीट बना के दे सकते हैं बच्चे को। फिर इसमें है काउंट एंड राइट, एक वर्कशीट हम दे सकते हैं काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में कुछ नंबर्स हम कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दे सकते हैं बच्चे को। जैसे मैंने यहाँ स्टार दिए हैं, स्टार, सर्कल, ट्रायंगल और आइसक्रीम ये बना के दिए हैं। तो आप कोई भी पिक्चर ऐसे आप बच्चों को दे सकते हो, फिर बच्चा इसे काउंट करेगा 1 2 3 4, क्योंकि हम उसको पहले काउंटिंग तो बोलना लिखना सिखा ही चुके हैं 10 तक। तो इस तरह से 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेगा बच्चा 4, जिससे बच्चा काउंटिंग भी सीखेगा और नंबर को पहचानना भी। 1 2 3, इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3, तो इस तरह बच्चा करेगा आपका। तो बच्चे को ज़्यादा इजीली सीखना होगा। और फिर उसके बाद आती है हमारी काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। तो कुछ पिक्चर्स बना के देंगे और उसके आगे कुछ नंबर्स लिख देंगे, तो बच्चे उसको पिक्चर्स को काउंट करेगा, फिर जो काउंट करके जो नंबर आएगा वही उस नंबर को सर्कल करेगा। जैसे ये स्टार, कितने स्टार बने हुए हैं, हाउ मेनी स्टार इन दिस पिक्चर, 1 2 3, तो 3 कहाँ पर है, तो 3 ये है, तो 3 को हमने सर्कल कर दिया। ऐसे ही 1 2 3 4, तो 4 पर सर्कल कर दिया। ऐसे ही 1 2, तो 2 कहाँ पर है, 2 पर सर्कल कर दिया। तो इस तरह बच्चे को 10 तक काउंटिंग अच्छे से पहचानना सीखेगा। मैच द फॉलोइंग, इस तरह से मैचिंग कुछ दे सकते हैं जिससे बच्चे की काउंटिंग स्किल अच्छी होगी। जैसे अभी हमने कुछ पिक्चर्स दे दी हैं, वही सेम पिक्चर स्टार्ट दे दी हैं, तो जो पिक्चर्स हैं उनको उनका नंबर काउंट करना है और उसी पिक्चर से मैचिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो इसको हमने इससे मैचिंग कर दिया। ऐसे 1 2 3, ऐसे ऐसे, तो इस तरह पिक्चर वाली चीज़ें देते हैं बच्चे को, तो बच्चा ज़्यादा ही इंटरेस्ट के साथ करता है। हम इसको मैंने इसे इस सिंपल वे में दिया, आप चाहो तो इनको थोड़ा सा कलरफुल बना के भी दे सकते हो। फिल इन द मिसिंग नंबर, ये एक वर्कशीट बना के दे दी हमने फिल इन द मिसिंग नंबर। तो बच्चों को 10th अकाउंटिंग तो हम सिखा ही चुके हैं, तो कुछ नंबर्स लिख कर दे देंगे इस तरह से। अब देखेंगे 1 के बाद क्या आता है, 2 2 के बाद 3 लिखा हुआ है, 3 के बाद क्या आता है, 4 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद क्या आता है, 6, और 7 लिखा हुआ है, 7 के बाद क्या आता है, 8, फिर 9। उसके बाद हम बच्चों कराएंगे क्रॉस द ऑल ऑफ 2। इसमें कुछ नंबर्स लिख कर दे देंगे, तो उसमें देखेंगे कि 2 हमारा बेटा 2 बताओ कहाँ कहाँ लिखा है, उसे आपको
क्रॉस करना है, तो बच्चा देखेगा ये वन है, ये थ्री है, ये रहा टू, इसे क्रॉस कर दिया, ऐसे सिक्स सेवन, ये रहा टू, ऐसे ही टू फोर फाइव टू एट टेन, तो इस तरह से मैंने टू दिया। आप ऐसे और भी नंबर दे सकते हैं, थ्री फोर सिक्स कुछ भी नंबर दे सकते हैं, जिससे बच्चा उसको उस नंबर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीखेगा। फिर इस तरह से हम देंगे ज्वाइन द डॉट्स, तो डॉट्स को ज्वाइन करना है सीरियल वे में, तो किस तरह से करेंगे, वन के बाद क्या था टू, तो टू टू के पास गए, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इस तरह से हमने मिटा दिया। फिर इस डॉट को इस डॉट से मिटा देंगे और इसको इससे और इसको इससे, तो देखिए ये क्या बन गया। आपका बच्चा तुरंत बोलेगा मैडम ये तो मम्मी ये तो हर्ट बन गई, ठीक है। तो इस तरह से एक एक्टिविटी होगी, उसके बाद एक एक्टिविटी हमें बच्चों को ये इस तरह से देंगे। इस तरह की कुछ एक्टिविटी दे सकते हैं हम, जैसे कि ये मैंने कुछ पिक्चर बना के दे दी है, तो उसमें आप बच्चे को काउंटिंग टेन तक तो हमने याद कराई हुई है, तो वन के बाद क्या आता है टू, टू के बाद थ्री नहीं लिखा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थ्री, थ्री के बाद फोर, फिर फोर के बाद फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, फिर नाइन, ये हमारा कंप्लीट ये पिक्चर हो गया। और इससे ये भी बच्चे को थोड़ा सा बहुत ही हेल्प करता है काउंटिंग लर्न कराने में। फिर आता है काउंट एंड राइट, इसमें बच्चों को आप कुछ पिक्चर्स बना के देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने पिक्चर्स को मैचिंग किया था ऐसे ही हमें ये पिक्चर्स को काउंट करना है, और जो काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर से आपको मैचिंग करनी है, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव देखिए फाइव कहाँ पर है, तो बच्चे से बोलिए बेटा फाइव कहाँ है, फाइव से मैचिंग कीजिए, तो बच्चा आपका फाइव से मैचिंग करेगा ऐसे ऐसे ही वन टू थ्री फोर, तो फोर कहाँ है ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे। तो आप ये जो वर्कशीट देंगे तो इससे देखना आपका बच्चा कितनी जल्दी, मतलब जल्दी तो नहीं मतलब, लेकिन फिर भी काफ़ी वन टू टेन तक काउंटिंग बोलना और पहचानना सीख पाएगा। आई थिंक आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।